तो दोस्तों ये वो रूम है जो रुस्तम फिल्म में दिखाया गया है। इस जगह पर यू नो दोस्तों वो मर्डर हुआ रहता है, इस जगह पर वो लेटे रहते हैं और वो लोग इधर से आते हैं। तो ये वो रूम जो रुस्तम फिल्म में दिखाया गया है, आप इस रूम को देख लो दोस्तों। लाइट बंद है एक्चुअली, लेकिन आप रूम देख सकते हो। दोस्तों रूम की प्रॉपर पहचान बता देता हूं मैं आपको। अगर आप रूम का स्क्रीन शॉट देख रहे हो और ये जो डिजाइन है आप देख सकते हो, ये डिजाइन ओरिजिनल घर का डिजाइन है, तो आप इस डिजाइन को मैच कर सकते हो। ये डिजाइन रूम के चारों तरफ है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं फहीम और आज आप देख रहे हैं फहीम व्लॉग। दोस्तों मैं आ चुका हूं एक और नई लोकेशन पर आपको कुछ वीडियो दिखाने, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा बहुत बहुत पुरानी फिल्में जहां पर रिकॉर्ड किए गए हैं। दोस्तों आज मैं आपको बता दूं, ये जो रोड आप देख रहे हो ये रोड आ रहा है मलाड स्टेशन से, जिसको मारवे रोड बोला जाता है। और ये जो जगह है जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये है अक्सा बीच और मढ़ के बीच में मैं खड़ा हुआ हूँ, बीबी नायर बंगलो के सामने। आप देख सकते हो पीछे बैनर पे बंगलो का नाम लिखा हुआ है और मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। दोस्तों अभी मैं इस बंगलो के अंदर आपको वो सारी फिल्मों की शूटिंग लोकेशन दिखाऊंगा जो यहाँ पर बहुत साल पहले रिकॉर्ड हुई थी। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं फिल्म रुस्तम की, जिसके अंदर अक्षय कुमार सर की बहुत एक्टिंग अच्छी है और बहुत ही अच्छी फिल्म है। आज हम उसको जो घर था, जो रुस्तम जी का घर दिखाया गया था, वो घर दिखाएंगे आज हम आपको और वो लोकेशन दिखाएंगे बहुत सालों बाद। दोस्तों ये जो लोकेशन आप देख रहे हो, ये लोकेशन किसी एक फिल्म में नहीं, न जाने कितनी सारी फिल्मों में दिखाई गई है। हम आज वो लोकेशन आपको दिखाएंगे जो आप सालों साल के बाद देखेंगे। फिल्म 20 साल पहले रिकॉर्ड हुई है तो कुछ फिल्म 30 साल पहले रिकॉर्ड हुई है। आज हम आपको वो सारी लोकेशन दिखाएंगे और हम उम्मीद करेंगे कि ये बंगलो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये जो आप बंगलो देख रहे हो, ये वही बंगलो है जहां पर रुस्तम फिल्म के सारे सीन रिकॉर्ड किए गए थे। यहां पर इसी जगह को उस फिल्म का सेटअप बनाया गया था। दोस्तों आज हम आपको वो सारे सीन दिखाएंगे जो अंदर से रिकॉर्ड किए गए थे। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग आ चुके हैं बीबी नायर बंगलो पर। दोस्तों आज हम आपको वो शूटिंग लोकेशन दिखाएंगे, वो घर अंदर से दिखाएंगे जहां पर अब से करीब 8 साल पहले अक्षय कुमार सर आए थे और उन्होंने अपनी सारी फिल्मों के यहां पर सीन रिकॉर्ड किए गए थे। दोस्तों लोकेशन में आपको दिखाऊंगा, एक एक पॉइंट के साथ दिखाऊंगा और आपको वो सारी फिल्मों की याददाश्त दिला दूंगा। दोस्तों चलिए अब ये बंगलो के अंदर हम जाएंगे और इस बंगलो का आपको पूरा एंट्री दिखाएंगे। आप देखेंगे ये बंगलो 8 साल के बाद उस फिल्म के हिसाब से कितना चेंजेस दिख रहा है। पहला चेंजेस बता देता हूं दोस्तों, ये जो सामने ग्राउंड था, इस ग्राउंड को ढक के यहां पर एक कंप्लीट सेटअप बना दिया गया है। अब उस सेटअप को के अंदर से मैं आपको वो दरवाजे, खिड़की, दरवाजे सब दिखाऊंगा और एक मलाड की फेमस शूटिंग लोकेशन मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों आप जो ये लोकेशन है आप खुद से भी एज्यूम कर पाओगे और समझ जाओगे कि ये वही बंगलो हैं। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं, फिल्म के अंदर एक सीन रिकॉर्ड किया गया है जहां पर ये जगह दिखाई गई है। ये जो दीवारें, ये जो रेलिंग्स, ये जो झाड़ी आप देख रहे हो सब दिखाई गई हैं। मैं फ्रंट साइड में चल के जा रहा हूं बिकॉज कैमरे के सीन इधर से रिकॉर्ड किए गए थे बहुत ही खूबसूरती के साथ। आइए हम ये लोकेशन पर जहां पर खड़े हैं, ये है अंदर एंट्रेंस बंगलो का जहां पर फिल्में शूट की जाती हैं। दोस्तों आप अब एक स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे जहां पर आपको रुस्तम फिल्म का एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है और ये लोकेशन दिख रही है। दोस्तों उनकी कार उधर से आती है और कार आके यहां पर खड़ी होती है और वो हीरोइन जो होती हैं वो अंदर की ओर चली जाती हैं। तो दोस्तों आप ये लोकेशन देख रहे हो फिल्म के 8 साल बाद जहां पर रुस्तम फिल्म की शूटिंग हुई थी। दोस्तों मलाड की, दोस्तों मढ़ की, मुंबई की एक फेमस शूटिंग लोकेशन में से ये एक लोकेशन है। यार कितना बड़ा एरिया मुंबई में कवर है इस लोकेशन के साथ में। आप यहाँ पर बॉलीवुड की बहुत पुरानी फिल्में करीब 1965 के टाइम से यहाँ पर शूटिंग होती हुई
हुई आई हैं, और आज उसी जगह पर मैं आपको ये रुस्तम फिल्म की लोकेशन दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये सीन रिकॉर्ड किया गया था फिल्म रुस्तम के अंदर। यहाँ पर उनकी कार आती है और वो कार इस जगह पर रुकती है जहाँ पर ये चेयर रखी गई हैं, और इस जगह से वो उतर के अंदर की ओर चली जाती हैं। कुछ सीन ये साइड से दिखाया जाता है, कुछ सीन इस साइड से, और वो जो मर्डर वाला सीन है तो वो रूम ऊपर है, वो जो उनका घर दिखाया गया है वो ऊपर है, वो भी हम अभी आपको अंदर से दिखाएंगे। पहले आप एक बार और एरिया देख लो, यहाँ का एरिया कितना बड़ा है जहाँ पे रुस्तम फिल्म अब से 8 साल पहले रिकॉर्ड की गई थी। देखिए दोस्तों ये है वो खूबसूरत लोकेशन, ये है वो जगह जहाँ पर बॉलीवुड की फिल्में नॉर्मली होती रहती हैं। आइए अभी हम आपको और लोकेशन अंदर से दिखाते हैं। रुस्तम फिल्म में ईशा गुप्ता हैं, ईशा गुप्ता इस जगह पर उनकी कार रुकती है और वो यहाँ से उतर जाती हैं। एक गेट के सामने ना थोड़ा सा इसको अलग से मॉडिफाइड कर दिया गया था, बट डिजाइन यही था, और वो यहाँ से उतर के दोस्तों अंदर की ओर जाती हैं। ये चलिए मैं भी यहाँ पर अंदर की ओर चले जाता हूँ और आपको वो लोकेशन दिखा देता हूँ सारी। दोस्तों इधर का भी एक बार देख लीजिए व्यू कैसा है, यहाँ पर कुछ ऐसा व्यू देखने के लिए मिल रहा है और अंदर है बंगलो का व्यू। आ जाइए दोस्तों, अब मैं आपको ना बहुत सारी चीजें बताना चाहूंगा। ये देखो यहां पर पीओपी बोल सकते हैं या लकड़ी का पुट्ठा बोल सकते हैं जो लगा दिया गया है, पहले लगा हुआ नहीं था। पहले के टाइम पे देखेंगे तो इधर पत्थर लगा हुआ था, मैं एक्चुअली पत्थर ही ढूंढ रहा था, चलो कोई बात नहीं। इधर से एक विंडो है और ये बाहर का विंडो है। ओके तो दोस्तों यहां पर ना ये थोड़ा इसको चेंज कर दिया गया है, वक्त के हिसाब से चेंज हो चुका है। अभी हम अंदर से बंगलो वालों को बुलाएंगे और ये लोकेशन आपको फिर से लाइट चालू करवा के दिखाने वाले हैं हम। मैं बुला लेता हूं भाई को। तो यहीं से इसी बंगलो के अंदर वो हीरोइन आती हैं और सीन इधर से कुछ रिकॉर्ड किया गया होगा जहां से ये गेट और ये स्टेयर्स दिखती है। दोस्तों फिल्म के अंदर भी स्टेयर्स पर ये प्लाई चढ़ाया हुआ है, और ये जो फूल पत्तियां देख रहे हो ना दोस्तों, ये वही पत्तियां है जो आपने फिल्म में देखी होंगी, और यहां से वो हीरोइन रुस्तम फिल्म के अंदर इसके ऊपर चढ़ जाती है। आइए मैं थोड़ा सा ऊपर भी जाके दिखा देता हूं, यहां से वो ऊपर चली जाती है ऐसा, मैं जहां से मैं जा रहा हूं। और तो ये वो स्टेयर्स है जहां पर रुस्तम फिल्म के सीन रिकॉर्ड किए गए थे। दोस्तों ये बंगलो जो आप देख रहे हो ये वही बंगलो है जो रुस्तम फिल्म में दिखाया गया है, और ये सेटअप आप देख के समझ सकते हो। दोस्तों ये जो स्टेयर्स आप देख रहे हो जहां पर करीम सर अभी ऊपर जा रहे हैं, तो ये वही स्टेयर्स को आप मैच कर सकते हो। दोस्तों यहीं से अक्षय कुमार ऊपर चढ़ते हैं, आप स्टेयरिंग देखो, आप ये डिजाइन देखो, यहीं से अक्षय कुमार ऊपर गए थे जहां से ये ऊपर गए हैं। तो ये आज भी वही स्टेयर्स हैं जो बॉलीवुड के अंदर यूज की गई थी। दोस्तों आइए अब हम आपको इसको ऊपर से दिखाएंगे और कुछ सीन वो सेम टू सेम मैच करके दिखाएंगे। ये देखिए ऊपर से यहां के भी सीन रिकॉर्ड किए गए थे। अभी ये जो डिजाइन है, ये जहां से मैं भी चढ़ के आया हूं, ये जो डिजाइन है दोस्तों देखिए, इस जगह से थोड़ा अंधेरा है तो आप समझ सकते हो, तो इस जगह से अक्षय कुमार ऊपर आते हैं, ये है वो स्टेयर्स, और फिर इधर है रूम्स की एंट्री। अब हम आ चुके हैं बाहर, और बाहर आप देखोगे तो ये जो दरवाजे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ये जो आप दरवाजे देख रहे हो दोस्तों, आप ये देख सकते हो ये बंगलो के सामने वो सारे सीन रिकॉर्ड किए गए थे। ये जो आप यहाँ पर सेटअप देख रहे हो, ये सेटअप के टाइम पर वहाँ पर सेटअप की जगह पर वहाँ पर गार्डन था, और लेकिन आज ये गार्डन चेंज कर दिया गया है। जो रेलिंग देख रहे हो ना, ये रेलिंग वही है जो आप देख पा रहे हो जहाँ पर ये खड़े हैं, जहाँ पर हीरोइन खड़ी रहती हैं, जो वो गेट के पास भी मैं आपको खड़ा होकर बतवा देता हूँ। ये जो गेट आप देख रहे हो यहाँ पर, इन गेट पर वो खड़ी रहती हैं, और अक्षय कुमार सर उधर नीचे से उनको देखते हैं, वो जब उनको चोरी चोरी देखते हैं। तो ये बंगलो है नायर बंगलो जहाँ पर वो सारे सीन रिकॉर्ड किए गए थे। आइए अभी थोड़ा बेडरूम और दिखाते हैं हम आपको। ये सब बेडरूम को यूज़ किया गया था रुस्तम फिल्म के अंदर, और इसी फेक ही जगह नहीं, और भी ना जाने कितनी सारी जगहों को रिकॉर्ड किया गया होगा। दोस्तों रूम की प्रॉपर पहचान बता देता हूं मैं आपको, अगर आप रूम का स्क्रीनशॉट देख रहे हो और ये जो डिजाइन है आप देख सकते हो, ये डिजाइन ओरिजिनल घर का डिजाइन है, तो आप इस डिजाइन को मैच कर सकते हो। ये डिजाइन रूम के चारों तरफ है, इसको मैच कर सकते हो और समझ सकते हो। तो इस जगह पर सीन रिकॉर्ड हुए थे रुस्तम जी के। तो ये दोस्तों ये वॉल, ये घर, ये है रुस्तम जी का घर। अब हम
थोड़े से और सीन दिखाते हैं। तो अभी हम हैं रूपक सर के साथ में। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। तो रूपक सर हैं यहाँ के मैनेजर। दोस्तों, अगर आप में से कोई सूट लोकेशन के लिए सर्च कर रहा है मुंबई में, जो एक बहुत बड़ी लोकेशन हो, चाहे वो विलेज सेटअप हो या कोई मॉडर्न सेटअप हो, तो आप यहाँ पर सूट कर सकते हो। सर, अगर आपसे कोई कॉन्टेक्ट करता है तो उसका क्या है, जो आप मुझे नंबर देंगे उन पर बात हो जाएगी? नंबर देंगे। अच्छा, नंबर दे दीजिए। हाँ, मैं नंबर आपका जो भी सर का नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप डायरेक्ट सर से बात कर सकते हो और यहाँ की कोई भी इंक्वायरी ले सकते हो। दोस्तों, कॉल करके अगर आप कोई भी वेब सीरीज का, कोई सीरियल का, कोई फिल्म का कोई सीन रिकॉर्ड करना चाहते हो तो यहां पर कर सकते हैं। अगर हम आपको बताएं तो सर, यहां पर पार्क भी बनाया गया है। अगर आपको कोई ऐसी लोकेशन जो पहाड़ों वाला सीन या कोई ग्रीनरी वाला दिखाना है तो वो हो सकता है। कोई विलेज सेटअप दिखाना है तो इसको विलेज सेटअप दिखा सकते हैं। मॉडर्न सेटअप बताना है तो मॉडर्न सेटअप बना सकते हैं। दोस्तों, ऊपर अलग अलग रूम बनाए गए हैं। मतलब मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर देखेंगे तो आपको बहुत सारी फिल्मों के सीन दिखेंगे। बड़ी बड़ी फिल्में जो ब्लॉकबस्टर फिल्में, जैसे कि राजा हिंदुस्तानी, खिलाड़ी, आ गले लग जा, और दिव्या भारती जी की फिल्म, और ना जाने कितनी सारी फिल्मों के यहां पर सीन रिकॉर्ड हुए हैं। सारी फिल्मों का तो सर आपको भी नहीं मालूम होगा, मुझे भी नहीं मालूम है। और जो ओनर है वो भी बोल रहे थे कि फहीम भाई मैं भी भूल चुका हूँ, बस उन्होंने इतनी बात बताई थी कि दिलीप कुमार, हेमा मालिनी, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, ऐसा कौन है जो यहाँ पर नहीं आया है। तो दोस्तों, बस ये लोकेशन पर हमने आपको बताया रूपक सर के बारे में। आप यहाँ पर कोई भी इंक्वायरी लेना चाहोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन ओनली फॉर सूट। अगर आप कोई शूट करना चाहते हो फिल्म का, सीरियल का, या कोई फिल्म का, वेब सीरीज का, अगर कोई भी अननोन नंबर से कॉल करेगा, कोई भी कोई एक्स्ट्रा बातें पूछेगा, मतलब जिसको शूट नहीं करना, तो उसका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। बराबर दोस्तों, मैं यहाँ पर पहले आपको बता देता हूँ थोड़ा कि अगर आपने किसी फिल्म के अंदर ये फाउंटेन देखा हो, क्योंकि यार मुझे जितना टाइम था उस हिसाब से मैंने सर्च किया, अगर ये देखा होगा तो मुझे ज़रूर बताना आपने कौन सी फिल्म के अंदर देखा है। आइए अभी हम यहाँ पर देखेंगे। बहुत सारी फिल्मों में सीन साइड से भी ले लिए जाते हैं, तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हो। फ्रंट पीछे की साइड में ये बंगलो बनाया गया है, इसका फ्रंट चेंज कर दिया गया है। पीछे अंदर कुछ और था, जो आपने रुस्तम फिल्म के अंदर जो किचन वाला सीन देखा है वो इसके अंदर किचन है। बराबर, वो खुला है क्या? खुला है तो ठीक है, अदरवाइज चलेगा सर? हाँ चलेगा, तो वो इसके अंदर सीन रिकॉर्ड किया गया है। आइए अभी हम थोड़ा ना ये आपको ये जगह दिखाते हैं। सर, ये एरिया जहाँ तक ये झाड़ वगैरह दिख रहे सब अपना ही है? वाह, ये देखिए दोस्तों। अब बताइए, आपको कोई अगर जंगल के सीन रिकॉर्ड करने हैं, अगर आपको कोई ऐसी जगह चाहिए जहां पर आप जंगल दिखाना चाहते हो, या कोई घर शिमला में दिखाना चाहते हो, कोई घर मनाली में दिखाना चाहते हो, तो बड़े ही आसानी से इस जगह को आप शिमला बना सकते हो, मनाली बना सकते हो। देखिए यहां पर एक पुराना टाइप का घर, और इतनी ग्रीनरी में दिख रहा है, कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी हवा लग रही है। मैं बता दूं आपको, जब मैं बंगलों के अंदर था बहुत गर्म लग रहा था, और यहाँ पर आके ऐसा लग रहा है जन्नत में आ गए हूँ, बहुत ही अच्छी हवा लग रही है। दोस्तों फिल्म राजा हिंदुस्तानी के अंदर जो करिश्मा कपूर जी का घर दिखाया है, उसकी वीडियो मैं पहले ही आपको बना के दिखा चुका हूँ, वो है फ्रंट में से बीबी नायर बंगलो। लेकिन राजा हिंदुस्तानी के अंदर जो आमिर खान सर का घर है, वो भी इसी बंगलो के अंदर है। बिकॉज दोस्तों, बंगले की जो रेलिंग है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो इस जगह पर, और मैं पूरा हूँ कि इसी बंगलो को दिखाया गया होगा राजा हिंदुस्तानी के अंदर। अब मैं आपको जैसे ही वो रेलिंग्स दिखाऊंगा ना, तो आप डायरेक्ट समझ जाओगे कि हाँ, ये वही बंगलो है। बिकॉज यार फिल्म को बन के उसको करीब 25 साल हो चुके हैं, और अभी उतना चेंजेस होना बनता है। तो दोस्तों, ये लोकेशन आपको कैसी लगी हमें जरूर आप बताना, और हमारे साथ में इस बंगलो के मैनेजर भी हैं, जो इनका इंट्रोडक्शन हम पहले ही आपके साथ करा चुके हैं। अगर आप कुछ भी जानना चाहेंगे तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और रेट, प्राइस, टाइम, लोकेशन, अवेलेबिलिटी, आप जो भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। बराबर सर, आपको वैसे तो यहाँ पर एक साथ दो दो सेटअप भी हो जाते होंगे? ज़्यादा सेटअप अगर लगाना चाहे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया है मेरा, बहुत बड़ा एरिया जगह है, काफ़ी बड़ा है। हाँ,
ये बहुत काफी बड़ा एरिया है, वाकई में पूरा जंगल लग रहा है। एक बार जरा चारों तरफ का एरिया दिखा दें ऐसे ही घूम के कि कितना बड़ा एरिया है। वाकई में बहुत अच्छा है। फल फ्रूट भी मिलते होंगे इधर? फल फ्रूट, केले, आम, पपीते। क्या बात है, मुंबई में एक ऐसी जगह देखने का मजा ही अलग होता है। चला इतना क्राउडेड एरिया में जहाँ पर घर भी इतने छोटे छोटे हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी जगह है ना कि यहाँ पर आके मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। एंड गाइज, अगर कुछ भी पूछना है तो कमेंट में भी पूछ सकते हो, नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हो। चलिए ये वीडियो का मैं एंड यहीं पर करता हूँ। एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ। गाइज, लव यू ऑल।